तो कुछ दिन पहले मैंने एक बहुत दिलचस्प किताब पढ़ी एडवर्टाइजिंग के बारे में। इस किताब में एडवर्टाइजिंग के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा मैं किस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे नहीं फॉलो करते तो अब आपके पास कारण है कि आप जाएं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। हाँ, मैं एकदम शेमलेसली आपको बोल रही हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और मैं इधर सबसे ज़्यादा शेयर करती हूँ। अब इस किताब से मेरे को दो चीज़ें सीखने को मिली। एक तो जो लोग ये एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं वो लोग जीनियस होते हैं, और दूसरी चीज कि ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं और इनके पास इतनी रिसर्च होती है कि वो लोग हमें कुछ भी मनवा सकते हैं इन एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। यही कारण है कि मुझे लगता है हमें इन विज्ञापनों और इन एडवर्टाइजमेंट से दो कदम आगे रहना चाहिए और रहना पड़ेगा, खास करके जब बात आती है हमारे खाने और हमारे सेहत के बारे में। इसी कारण इस वीडियो में हम विज्ञापनों की बात नहीं मान रहे, हम अपनी खुद की खोज करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं पांच ऐसा खाना जो हम रोज खाते हैं, पांच ऐसा खाना जो विज्ञापन हमें कहते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या ये सच में हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं या नहीं, आइए देखते हैं। तो पहला वो प्रोडक्ट जो हम जांचने वाले हैं वो है फाइबर बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, हेल्दी बिस्किट्स। अब आप विज्ञापन देखेंगे तो उसमें बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज हैं जो हमें कहती हैं ये हेल्दी है, इसमें फाइबर है, ये बहुत अच्छा है सेहत के लिए, इसे खाइए। पर क्या वो सेलिब्रिटीज खुद ये खाते हैं? मुझे नहीं लगता। अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट जांचेंगे इन बिस्किट्स की तो आप देखेंगे दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इन बिस्किट्स में होती हैं, वो है रिफाइंड फ्लावर, मैदा और चीनी। और होल व्हीट फ्लावर तो नाम के लिए डाला जाता है ताकि वो लेबल पे लिख सकें, और ये उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, उससे हमें कुछ लाभ होता ही नहीं है। तो इंग्रेडिएंट्स में इसमें लाभदायक कुछ भी नहीं है। 100 ग्राम ऐसे बिस्किट्स में करीब 15 ग्राम चीनी डाली जाती है और ये हेल्दी कहलाता है। और दूसरी तरफ हम देखें अनहेल्दी कहलाए जाने वाले कोलास, इनफैक्ट उनमें सिर्फ 11 ग्राम चीनी होती है 100 ग्राम कोला में। तो कौन सा सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, आप डिसाइड करें। अगर आप इसमें कैलोरीज देखेंगे तो एक पैकेट बिस्किट में करीब कैलोरीज होती हैं, और अगर आप बर्गर बान में सबसे ज़्यादा बड़ा जूसी बर्गर देखेंगे वो बर्गर में भी करीब कैलोरीज होती हैं। तो अब आप बर्गर चूज करेंगे या बिस्किट? बर्गर चूज करेंगे या बिस्किट? मैं तो शायद बर्गर ही चूज करूंगी। अगर आप ये बिस्किट खा रहे हैं फाइबर के लिए, आप वो फाइबर कई ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशियस चीजों से पा सकते हैं, जैसे कि फल, जैसे कि सब्जियां, जैसे कि ओट्स। और सबसे ज्यादा मजेदार चीज जिससे आप अपना फाइबर पा सकते हैं वो है पॉपकॉर्न। 100 ग्राम पॉपकॉर्न में 13 ग्राम फाइबर होता है, और 100 ग्राम ये बिस्किट से आपको 9 से 10 ग्राम से ज्यादा फाइबर नहीं मिलेगा। तो काफी हद तक हम सब ने मान लिया है कि कोला अच्छी चीज नहीं है और हेल्दी नहीं है। और यही कारण है कि मैं बहुत माओं को देखती हूँ कि जब उनके बच्चे कोला मांगते हैं तो वो कोला नहीं देते और कोला के बजाय वो देते हैं जूसेस। अब ये जूसेस हेल्दी हैं? तो अगर आप ये जूसेस क्या है वो देखेंगे, पीछे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मात्रा में इनमें है पानी, उसके बाद इनमें है चीनी। तो चीनी और पानी यही है 90% ये जूस। 2% से 10% अलग अलग जूसेस में अलग अलग होता है, पर वो 2 से 10 के बीच में ही रहता है। उतना सा फ्रूट कॉन्सेंट्रेट डाला जाता है या फ्रूट जूस, बाकी इसमें पूरा फ्लेवर होता है, कलर होता है, पानी होता है और चीनी होता है, बस इतना ही होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसमें से आप बहुत फल के गुण पा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट 100 ml जूस में 15 से 20 ग्राम चीनी डाली जाती है। फ्रूट जूस अच्छा है आपके लिए, पर जब आप फ्रूट जूस पीना चाहें तो घर पे फल उठाएं, उसको काटें, उसका जूस निकालिए और वो जूस पल्प के साथ पीजिए। अब बात करते हैं तीसरे ऐसे खाने की जो हम दिन में रोज हर चीज में यूज करते हैं और हर घर में यूज होता है, ये है रिफाइंड ऑयल। अभी आप जब तेल खरीदने जाएं मार्केट में तो आपको डब्बों पे लिखा हुआ दिखेगा रिफाइंड, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड भी मिलता है, पर क्या ये बाकी तेलों से ज्यादा बेहतर है? आइए देखते हैं। तो रिफाइंड ऑयल बनता कैसे है? ये साफ करने के बाद, क्रश करने के बाद जो तेल निकलता है उसे बहुत ही
ज़्यादा टेम्परेचर पे गरम किया जाता है, एक हेक्सेन बाथ होता है, हेक्सेन बाथ से उस ऑयल को क्लीन किया जाता है। अब हेक्सेन जो है वो बाय प्रोडक्ट होता है क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का, सोच के ही मुझे गंदा लगता है, पर इसी से धोया जाता है। इतना ही नहीं, उसके बाद उस पर डीगमिंग प्रोसेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, डिओडराइजिंग प्रोसेस होता है, और उसके बाद उसे ब्लीच किया जाता है। जब तक आपका रिफाइंड ऑयल बन के बाहर निकलता है तब तक उसमें कुछ भी लाभदायक वस्तु नहीं होता, यहाँ तक कि उसका रंग रूप कलर स्मेल सब कुछ उड़ जाता है, सब निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि ये आपके लिए और मेरे लिए ज़्यादा लाभदायक बने, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये तेल बनाने वाली ब्रांड के लिए ज़्यादा लाभदायक हो, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए, ताकि ये लोग 1 साल 2 साल तक इसे शेल्फ पे रख सकें, बेच सकें, पैसा कमा सकें और ये ख़राब ना हो। वो तेल यूज़ करिए जो कोल्ड प्रेस्ड हो और ऑर्गेनिक हो, ये सब हेल्थ शॉप्स में आजकल मिलते हैं। चौथी चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है दही। अब दही तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, भारत में सदियों से दही बनाई जाती है, घर में हमारे खाने में बहुत यूज़ होती है, और ये कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसे तो यूज़ करना ही चाहिए। आप खाइए, रोज़ खाइए, खूब खाइए। पर जो दही आपको दुकानों में पैक की हुई डब्बों में मिलती है जिसमें फ्लेवर होता है, वो दही आपके लिए अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीनी डाली जाती है, इसमें बहुत फ्लेवर डाला जाता है और बहुत प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, कलर होते हैं, फ्लेवर होते हैं, ढेर सारी चीनी होती है, इसीलिए ये पैक की हुई फ्लेवर की हुई दही ना खाएं, इससे दूर रहें। अगर फ्लेवर दही खानी हो या मीठी दही खानी हो तो घर पे बनी हुई दही में गुड़ डालिए या नारियल की चीनी डालिए, नारियल की चीनी का बहुत ही अच्छा कैरमल वाला फ्लेवर होता है, या इसमें फ्रूट्स डालिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। अब आए हम आखिरी और पांचवी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, और ये है ड्राई फ्रूट्स। मेरे को मालूम है आप डंडा लेके मेरे को मारने आ रहे हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट सब कहते हैं सेहत के लिए अच्छे हैं, और मैं भी कहती हूँ सेहत के लिए अच्छे ही हैं, पर जब आप ड्राई फ्रूट्स छोटी मात्रा में खाएं और जब ड्राई फ्रूट्स उनके एकदम ओरिजिनल फॉर्म में खाएं तब वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसमें सेहतमंद फैट्स होते हैं, वो फैट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, उनके बहुत लाभ होते हैं, और आप ड्राई फ्रूट्स रोज़ ज़रूर खाइए। पर कौन से ड्राई फ्रूट्स ना खाएं? ये ड्राई फ्रूट्स ना खाएं जिनमें बहुत सारा नमक होता है, जिन्हें फ्राई किया गया होता है, जिन्हें रोस्ट किया होता है, और जिनमें बहुत सारी चीनी होती है। इसके दो कारण हैं, एक तो जाहिर सी बात है इनमें बहुत नमक होता है, बहुत चीनी होती है, और ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और फ्राई किया जाता है तो बहुत तेल भी होता है। और दूसरा कारण ये कि क्योंकि इनमें इतनी चीनी होती है और इतना नमक होता है, हम इसकी आदत सी हो जाती है और हमें पता ही नहीं लगता हमने कितना खा लिया और कब हमें रुकना चाहिए और कब हमें बंद करना चाहिए खाने के लिए। ये एडिक्टिव हो जाता है खाते खाते, हमें पता ही नहीं लगता, इसीलिए ये वाले ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, इसमें इतना लाभ नहीं होता जितना प्योर नेचुरल फॉर्म ड्राई फ्रूट्स का आप खाएंगे तो उनमें ज़्यादा लाभ होता है, पर तब भी छोटी मात्रा में। अपने खाने को जांचें, परखें, उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ें, इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ें, और फिर खुद डिसाइड करें कि ये आपके लिए अच्छा है कि अच्छा नहीं है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग ये वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।